हाँ नमस्कार। ये जो वीडियो है ये पीसी या डेस्कटॉप पे वर्डप्रेस की फ्री में वेबसाइट बनानी है और wordpress.com पर बनानी है, उससे रिलेटेड है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे आपने नई वेबसाइट बनानी है और अंडरस्टैंड करेंगे हम डैशबोर्ड को। ओके, तो बेसिक तरीका ये है कि wordpress.com, ये जो डोमेन है, लॉगिन, इस पे आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। यदि आपने रजिस्टर कर लिया है तो आपने लॉगिन करना है और फर्स्ट टाइम जो आपका प्राइमरी डोमेन होगा वो चलेगा। और एक बात और आपको बता दें कि वर्डप्रेस काफी डोमेन, मल्टीपल डोमेन्स आपको अलाउ करता है, यानी कि मल्टीपल साइट्स अलाउ करता है। तो मैं अभी आप देखिए कि कैसे आपने नई वेबसाइट, वर्डप्रेस की नई वेबसाइट बनानी है, ये डैशबोर्ड क्या है और उसको कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले क्या है, हमने किसमें जाना है, वर्डप्रेस लॉगिन में जाना है। तो सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट लिंक है, wordpress.com लॉगिन। अब देखिए यहाँ पे आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, यानी कि साइन अप कर सकते हैं आप। मैंने इसमें ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ, तो सीधे मैं इसको लॉगिन करता हूँ। इज दैट क्लियर? साइन अप करना, इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस। आप अपने आप को साइन अप करिए, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वहां पे। तो लॉगिन करने के बाद, साइन अप हो जाने के बाद, रजिस्टर होने के बाद आप लॉगिन करिए। तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद अंडरस्टैंड करिए, जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे होंगे तो डिफरेंट स्क्रीन होगी। मैं ऑलरेडी यहाँ पे डोमेन क्रिएट कर चुका हूँ, पर इसलिए मेरे पास के ऑलरेडी जो दास फॉर यू है उस डोमेन से ये डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। दिस इज अ डैशबोर्ड। पर ये डैशबोर्ड तब आता है जब आप डोमेन रजिस्टर कर लेते हो। पर क्वेश्चन तो ये बनता है कि आपने कैसे करना है। तो ये देखिए यहाँ पे स्विच साइट्स का ऑप्शन है। ये साइट तब आती है जब आपके पास मल्टीपल साइट्स है। तो अभी मेरे पास दो वेबसाइट्स हैं। मैंने क्या, नई वेबसाइट बनानी है। एक्चुअली आपने नई वेबसाइट ही बनानी है। ओके, तो नई वेबसाइट बनानी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी वेबसाइट बनानी है, उसमें कंटेंट कैसे डालने हैं। तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास, हम क्या करते हैं, नई वेबसाइट को क्लिक करते हैं। देखिए इसमें कैसे करते हैं। तो नई वेबसाइट के लिए क्लिक किया हमने, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्या है कि माई साइट इज कॉल्ड। यहाँ पे आपकी वो साइट क्या चाहते हो, हम हिमाचल के टेम्पल्स के बारे में जानना चाहते हैं। हम हिमाचल के टेम्पल्स के बारे में, हम हिमाचल के फोर्ट्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, फोर्ट्स इन एचपी। ओके, तो ऐसे कंटिन्यू। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, फोर्ट्स इन एचपी। तो हम क्या चाहते हैं, फोर्ट्स इन एचपी wordpress.com। तो ये फ्री का है। तो यदि इस पे मैं क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ तो अवर प्रोसेस स्टार्टेड। और भी डोमेन है, फोर्ट्स इन एचपी डॉट इन। बच्चों ये क्या है, दीज आर द पेड डोमेन्स, इंडिविजुअल डोमेन्स है। तो वर्डप्रेस आपको डोमेन परचेजिंग भी अलाउ करता है। फर्स्ट ईयर के लिए बोल रहा है कि वो फ्री है। फर्स्ट ईयर के लिए क्या है, वो फ्री है, $15 का दे रहा है। नेक्स्ट ईयर पता नहीं कितने चार्जेस पड़ेंगे। तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप यहाँ से लो। और भी की डोमेन परचेज करने की साइट्स हैं, आप वहां से ले सकते हो। बट यहाँ पर वो अलाउ कर रहा है और मैं क्या है, इस फ्री के साथ चल रहा हूँ। और ये क्या कर रहा हूँ मैं, कंटिन्यू। अब यहाँ पे समझिए, अंडरस्टैंड करिए, आपका डोमेन फोर्ट्स डॉट एचपी डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम बन गया है। अब वर्डप्रेस का एक मतलब ये है, उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है। तो उन टर्मिनोलॉजी में एक चीज आती है थीम की। तो आप क्या चाहते हो कि आपका ये फोर्ट्स किस तरीके की थीम के साथ इनबिल्ट स्ट्रक्चरल वो आ जाता है। तो आप किसी को भी चूज कर सकते हो जो आपको थीम अच्छी लगती है। यदि थीम्स के बारे में ज्यादा नहीं पता है आपको, तो अंडरस्टैंड करिए कि आपकी वेबसाइट का पूरा लेआउट कैसा होगा। और ये जो लेआउट है, इन थीम्स पे डिपेंड करता है कि जैसे फोटो आएगी नीचे, ऐसे ब्लॉग्स आएंगे, और ये फोटो है, डिफरेंट पोस्ट्स आ रहे हैं, जो भी आपको लगता है वो उसको चूज कर सकते हैं। यदि आप स्पेसिफिक को नहीं जानते हैं, जो भी मोस्ट रेलिवेंट आपको लगता है उस चीज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि मैं किसको चूज करता हूँ, किसी एक साइट को चूज कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल क्या है कि हम किसी भी साइट को चूज कर लेते हैं और उसमें से हम लेट मी सपोज इसको चूज कर लेते हैं। ओके, सो ये जो वेबसाइट है, आप देखो ये क्या है कि ये पीसी पे ऐसे आएगी, डन। और टेबलेट पे ये इस तरीके से दिखेगी। टैबलेट पे जब आप देखोगे तो इस तरीके से दिखेगी, और जब आप इसको मोबाइल पे देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगी। तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करती है कैसे उसने डिस्प्ले करना है। ये वर्डप्रेस की फैसिलिटी है।
उसके साथ क्या हम गो पे जाते हैं तो ऑब्वियसली हम इस पे वर्क कर लेते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन बता रहा है कि आपने कस्टम करना है, जो डोमेन को चेंज करना है और उसके अकॉर्डिंग क्या है आप उनको चेंजेस कर सकते हैं। मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये कस्टम डोमेन को है कि आपने डोमेन कस्टम करना है, स्टोर यानी कि इसको लगाना है, एसईओ वर्क करना है आपने, प्लगइन्स अगेन एक टर्मिनोलॉजी होती है इससे रिलेटेड, वर्डप्रेस से रिलेटेड, जिसकी अपने आप ही फंक्शनैलिटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जाते हो अपनी वेबसाइट पे, आप फेसबुक के सारे कमेंट्स या वो आ जाए तो ऑब्वियसली आप एक प्लगइन इंस्टॉल करोगे, वो इन्फॉर्मेशन वहां पे आ जाएगी। आप ये चाहते हो कि मैं वॉइस के साथ मैं ईमेल करूं, अगर मेरी ब्लॉग पे वो आ जाए, तो ऐसी की फैसिलिटी वो आगे वाली वीडियोस में देखेंगे हम। ये इमेज स्टोरेज के बारे में, वीडियो स्टोरेज के बारे में ऐसी की चीजें हैं जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अब हमारे पास ये प्लान आता है बच्चों, यदि आपने पेड पे जाना है तो मंथली और रेगुलरली कर रही है। हमने पेड पे नहीं जाना, हमने किस पे जाना है, फ्री वाले को यूज कर रहे हैं। ठीक है, फ्री वाले को यूज कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए आपके, आपको स्टोरेज कितनी मिली है, 3 GB स्टोरेज है। बात समझ रहे हो, आपको स्टोरेज कितनी है, 3 GB स्टोरेज है, इससे ज्यादा नहीं है। उससे ज्यादा करोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, $4 है। यदि फ्री में करना है आपने तो आपके पास ना एसईओ ना ये सारे टूल्स जो है कुछ भी अवेलेबल नहीं है सर, फ्री में आपको 3 GB है। तो अंडरस्टैंड करिए आपकी जो इमेजेस है, आपका जो डाटा है वो 3 GB से ज्यादा है नहीं होना चाहिए, सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसा करने से क्या हुआ, आपने वर्डप्रेस ने अपने आप आपको फ्री में वेबसाइट बनाने के लिए अलो कर दिया है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आपकी वर्डप्रेस की साइट बन रही है। और अब अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका डैशबोर्ड क्या है, इसके बाद काम कैसे करना है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि बिकॉज टू अंडरस्टैंड द वर्डप्रेस वी नीड सम वीडियोस, बट फॉर दैट वेट फॉर सम टाइम। सो इन द सीरीज ऑफ द वीडियोस यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि डैशबोर्ड को अंडरस्टैंड करिए कि डैशबोर्ड क्या है। तो ये जो एडिटर साइड है उसको समझिए क्या है, ये बॉटम पे जो चीज है वो क्या है कि आपको ये अलो कर रहा है कि वर्डप्रेस होती क्या है, और आप इसको देख सकते हैं वन बाय वन, इसको देख सकते हैं ये क्या है, स्टार्ट ओवर की वर्डप्रेस कैसे वर्क करती है, वन एडिटर होता है इसमें बेसिक, इसमें ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स में आप डाटा को कर सकते हैं। इस प्लस का मतलब क्या होता है, आपके पास नए ब्लॉक्स आते हैं उस पर क्लिक करते हो आप तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हो आप। और उसके बाद क्या नेक्स्ट क्या ये है आपके पास, क्या फॉर्मेटिंग के लिए है, बोल्ड करना है, टैली करना है, लिंक लगाना है, अलाइनमेंट शो करनी है, ऊपर नीचे करना है किसी ब्लॉक को, ये जो हम पेज पे कंटेंट क्रिएट करते हैं तो वहां पर आता है। ओके, और उसके बाद क्या है कि हमारे पास यदि सेटिंग करनी है तो ये है, पेज की है सारी इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट वीडियोस में इन चीजों को देखेंगे, पर फिलहाल यहाँ पर सिंपल। ओके, और अब हम मैम आपको बता रहा हूँ डैशबोर्ड का, यदि इस पे क्लिक करेंगे डब्ल्यू वाले सिंबल पे तो हम क्या है डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। तो हमें दिस इज द डैशबोर्ड, यदि आपको बोले कि आपकी साइट में क्या क्या काम कर सकते हैं, यानी कि बैक एंड जिसको कहते हैं, एडमिन जो कहते हैं, तो ये आपकी साइट का क्या नाम है इसका, फोर inhp.wordpress.com। यदि इस पे आप क्लिक करते हो तो ये साइट यहाँ पे ओपन हो रही है नेक्स्ट टाइम। ओके, ये ऐसी आ रही है, इसमें जो इंफॉर्मेशन आ रही है बाय डिफॉल्ट आ रही है सारी की सारी। इन सभी इमेजेस को आप चेंज कर सकते हो, डाटा को चेंज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल डमी डाटा है। तो ऐसी अट्रैक्टिव वेबसाइट क्या है आपकी 2 या 3 मिनट में बन जाती है। बट इसके बाद की जो कहानी है, दिस थिंग इज अ डैशबोर्ड, यदि बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे तो ये आपकी वेबसाइट है, इस पे काम हो रहा है। यदि मैंने मल्टीपल साइट्स हैं यहाँ पर तो ये स्विच का साइन आ रहा है। और उसके बाद क्या है, हमने वर्क किस पे करना है, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि आपने पेजेस बनाने हैं। वर्ड प्रेस में क्या है, एक पेजेस होता है, एक पोस्ट होता है। तो पेजेस का मतलब होता है जो परमानेंट पेजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर होम एक पेज है। ओके, मैं कोई और पेज बनाता हूँ तो वहां पे आ जाएगा। तो मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कांगड़ा के फोर्ट्स की यदि मैं बात कर रहा हूँ, फोर्ट्स या इम्पोर्टेंट फोर्ट्स या हेरिटेज फोर्ट्स कौन से हैं, तो ये जो हेरिटेज, ये सपोज मैं एक पेज बनाता हूँ तो ये मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, डन, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, मैंने एक पोस्ट बना रहा हूँ हेरिटेज फोर्ट्स, कई फोर्ट्स हैं जो मैनेज्ड हैं, कई फोर्ट्स हैं जो मैनेज्ड नहीं है, तो उससे रिलेटेड ये ओपन हो रहा है। और यदि मैं बताऊं कि ये जो वेबसाइट है, इस चीज को बच्चों कहते हैं मेन्यू बार, ठीक है, इस चीज को कहते हैं आपकी साइट का टाइटल क्या है। ओके, और उसके अलावा ये जो पार्ट्स होते हैं, जैसे ये पार्ट है या ये पार्ट है, ये इंफॉर्मेशन बीच में आती है, इसमें ब्लॉग्स भी आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट होती हैं वहां पे डिस्प्ले होती रहती हैं, ये कुछ
डाटा है, ये गैलरी की फॉर्म में है, आपको मल्टीपल फोटो यहाँ पे डालनी पड़ेगी जो कि आप देख सकते हो, अलग अलग फोर्ट्स की, होटल की है, उसके अकॉर्डिंग। तो न्यू पेज बनाना है तो उसके लिए ये ऑप्शन है। तो न्यू पेज बनाना है तो ये देखिए कि आपने किस तरह का पेज बनाना है। आपने कोई ब्लैंक पेज बनाना है, आपने किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी का पेज बनाना है, तो फिलहाल आप ब्लैंक के साथ ट्राई करिए जो कि आपकी इस वेबसाइट के साथ मैच करे, जो आपकी करंट थीम के साथ मैच करेगा। तो इस पे सबसे पहले ऐड टाइटल करना है। ऐड टाइटल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ हेरिटेज फोर्ट्स, ओके। और यहाँ पे कंटेंट आएगा बच्चों, यहाँ पे लिखना है इन हिमाचल प्रदेश देयर आर मैनी फोर्ट्स, ठीक है। और उसके बाद एक बात समझो कि यहाँ ये प्लस का निशान, तो मैं इसकी बात कर रहा था, ये इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। प्लस के निशान पे क्लिक करने पे बच्चों आपको जितने भी इसमें कह सकते हैं कि ब्लॉक्स हम अप्लाई कर सकते हैं वो आ जाएंगे। आपने पैराग्राफ लिखना है, कोई हेडिंग लिखनी है, कोई लिस्ट आपने बनानी है इस तरह की, एग्जांपल दे रखी है, कोई कोड लिखना है आपने, कोई एचटीएमएल की कोडिंग करनी है आपने, कुछ आपने कुछ पुराना जो क्लासिकल वर्डप्रेस का एडिटर होता है वो ओपन करना है, आपने वर्ड्स लिखना है, कोई एक इमेज जो वर्ड्स उसके लिए है, आपने कोई इमेज करनी है, आपने कोई गैलरी करनी है, आपने फाइल अपलोड करनी, मीडिया वीडियो सारी चीजें आ रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या है, इमेज डालनी है, यहाँ पे फोर्ट्स की इमेज डालनी है, तो सिलेक्ट इमेज है, सिलेक्ट यूआरएल है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फोर्ट, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कांगड़ा फोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सभी चीजों को मैं समझा देता हूँ आपको, इमेजेस में जाता हूँ और आपके पास कांगड़ा फोर्ट की जो बेस्ट फोटो है वो ले लेते हैं, लेट मी सपोज दिस, ओके, एचपी कांगड़ा रोड इनसे ऑफिशियल साइट है, इस पे जाता हूं मैं, इसको मैं राइट क्लिक किया, दो ऑप्शन है, इसको राइट क्लिक किया, इसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है। तो सेव कहां पे होगा, लेट मी सपोज मैं किसी फोल्डर में सेव कर लिया, लेट मी सपोज एट द डेस्कटॉप, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कांगड़ा फोर्ट, डन, इसको मैंने सेव कर दिया। मैं आपको मल्टीपल ऑप्शन बता रहा हूं, इसको क्या है, और यहां पर कॉपी करना, मैंने इसका लिंक एड्रेस यूआरएल कॉपी करना है, ये मैंने कॉपी कर लिया, और यहां पर जो हम बना रहे हैं, और यहां पर हमने क्या है इसको ये देखो, ये इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल है, इस सेलेक्ट इमेज है, सिलेक्ट कहां से करनी है, आपने मीडिया से करनी है, गैलरी से करनी है, जो कि ऑलरेडी इस वर्डप्रेस पे, ध्यान रखना कितने जीबी होगा, ध्यान रखना कितने जीबी है, 3 GB है सिर्फ, ओके। तो ध्यान रखना है कि ये जो अभी मैंने डाउनलोड की है कितनी एमबी की है, तो 3 GB तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे यूआरएल का यूज कर रहा हूँ। यूआरएल का मतलब क्या है कि ये, इसका मतलब ये है कि ये जो फोटो आपने यहाँ पे लगाई, ये जो फोटो है ये आपके सिस्टम पे नहीं है, ये यहाँ पे जिस सर्वर पे है वहीं से आएगी। ये क्या है, सेव इमेज, इमेज एड्रेस, इमेज एड्रेस कॉपी करना था, सॉरी मैंने गलत कर लिया इसको, कहाँ गया वो, दिस इमेज, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट और ये पेस्ट, ये आपकी इमेज आ गई, ठीक है। तो ये इमेज क्या हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये इमेज अपलोड नहीं हुई है, उसका ये लिंक यूज हुआ है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे लिंक्स को यूज करिए, मेंशन कर दीजिए इस कहां से लिए, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपने इसको कहां से कॉपी किया है, तो राइट क्लिक करिए, और यह है कॉपी लिंक एड्रेस है, लिंक एड्रेस का मतलब क्या है कि जहां से आपने कॉपी किया है उसकी, इस पे क्लिक करते हैं तो इसका एक टाइटल आता है, इसको ओपन ही कर लेते हैं, कहां पर है ये, वहीं से लेते हैं, क्योंकि ये कॉपी करते हैं, आई थिंक सो दिस द मोस्ट इंपोर्टेंट है,
ये लिंक लगा दिया हमने यहाँ पर। इतना करने के बाद कुछ नहीं हुआ है, उसके बाद आपने मोस्ट इंपोर्टेंट है इसको क्या करना है, आपने पब्लिश करना है। यहाँ पे आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ये प्रीव्यू मतलब इसको देख सकते हैं कैसा हो रहा है। नेक्स्ट टाइम में ओपन कर लिया, इसको पब्लिश कर दिया, पब्लिश का मतलब है कि ये अब डिस्प्ले हो जाएगा जैसे सेव करते हैं। ओके, तो ये फिर पब्लिश करने को कह रहा है, तो ऑलरेडी मैंने इसको पब्लिश कर दिया, क्लिक कर दिया। पर एक सेटिंग नहीं बताई आपको मैंने, सेटिंग अभी आपको बता देता हूँ कि इसी एक पर्टिकुलर पेज की सेटिंग कैसे होगी। तो ये हेरिटेज पेज जो वहाँ पे दिख जाएगा, ये मैंने बंद किया है इसको, ये है अभी सेटिंग इसकी। तो सेटिंग में आप समझिए कि इस पेज को कैसे, इसका परमानेंट डेट क्या होगा। मैंने इसका नाम दिया हेरिटेज फोर्ट्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैंने कांगड़ा करके लग दिया, और भी कई कंटेंट है इसके नीचे आ जाएंगे। परमानेंट लिंक का मतलब है कि इसको यदि आप चेंज करना चाहते हैं, कुछ और देना चाहते हो, तो फीचर्ड इमेज का मतलब जो ये पेज आएगा तो उससे स्टार्टिंग में इमेज कैसी आएगी, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। डिस्कशन में क्या है कि इसको कमेंट आपने लो करने हैं, जो ब्लॉग है कोई लोग और भी कमेंट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं उसके बारे में। ये आपने कोई ऑप्शनल चीज लिखनी है, पेज के ये एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट में ये जरिए पेज नंबर देना चाहते हो, ऑर्डर देना चाहते हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि ये पेज दिख कैसा रहा है तो आपकी वेबसाइट पे ये वाला पेज इस तरीके से दिख रहा है। ये हमने पेज बनाया है पर यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ये नेक्स्ट वाली वीडियोस में आप अंडरस्टैंड करेंगे ये कैसे ये डिस्प्ले होता है। तो ये जो लिंक आ रहा है मैंने इसको एडिट किया था, चेंज किया था, इसको ये चेंज हो जाएगा जब इसको आप एडिट करोगे। तो इस वक्त अपडेट करने पर ये वाली पार्ट के वहाँ पे आ जाएगी। सो दिस इज अबाउट, ये फिर वापिस वहाँ पे चला गया कहाँ पर, डैशबोर्ड पे। तो ये डैशबोर्ड पे आ गया, मैं आपको सिर्फ पेज बता रहा था, पेज की कई ऐसी फीचर्स बनेगी, ऐसी पोस्ट बनेगी। पोस्ट वो होती है जो छोटे छोटे कंटेंट से, यानी कि आपने एक एक फोर्ट को बताना है तो वो पोस्ट की फॉर्म में आएगा। सिंपल आज की वीडियो में सिंपल इतना था कि आपने कोई एक वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट आपने कैसे बनानी है, डोमेन कैसे आपने लेना है, स्पेस कैसे देना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसको यहीं पे खत्म करते हैं।